सेवानिवृत्त वनकर्मियों ने बुधवार को वेतनमान के समय सीमा में निर्धारण की मांग को लेकर वन मंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले सौंपे ज्ञापन में राधेश्याम पाटीदार, अशोक मेहता, रमेश मंडलोई आदि ने बताया कि खरगोन, सेंधवा और बढ़वा के सेवानिवृत्त वनपाल, उपवन क्षेत्रपाल एवं क्षेत्रपालों का समय मान वेतनमान लंबे समय से लंबित है, जबकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के आदेशानुसार 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा अवधि में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समय मान वेतनमान की पात्रता है। खरगोन में यह कार्यवाही लंबित है, जिससे कर्मचारी मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अजय गुप्ता, आज जो पेंशनर संघ ने जो ज्ञापन हमारे पूर्वान मंडलाधिकारी महोदय को दिया है, इनकी जो मांगे हैं ये सब जायज़ मांगे हैं। इसलिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होता, जो कर्मचारी 35 से 40 साल 42 साल विभाग की सेवा करता है और उसके बाद उसको अधिकार के लिए इस उम्र में याचना करना पड़ती है, तो हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। मैं मध्यप्रदेश कर्मचारी संघ जिला मीडिया प्रभारी अजय गुप्ता इनकी मांगों का समर्थन करता हूं और इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी करने हेतु श्रीमान मंडलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं, जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी की जाए। आज यह है कल हम भी, इसलिए श्रीमान मंडलाधिकारी महोदय, श्रीमान उप मंडलाधिकारी महोदय, स्थापना शाखा के जो भी हैं जिम्मेदार लोग, वो इनकी मांगों पर ध्यान दें और इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन शासन को निवेदन करें। पर नहीं दिया, हमने मांग पत्र रखा है, हमारे पेंशनर्स वन मंडल के जो साथी हैं उनको समय मान वेतन मान नहीं मिल रहा है और फिक्सेशन, पे फिक्सेशन भी नहीं हुआ और ये रिटायर हो गए। अब पे फिक्सेशन नए सिरे से इनका होगा और इनको जो एरियर मिलना है वो एरियर से भी वंचित हैं। इन मांगों को लेकर आज हम DFO साहब से मिले और उन्होंने इनको ये समस्या का निराकरण करने के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और 10 दिन के अंदर ये हमारा जो वेतनमान है, समय वेतन, उसकी स्वीकृति प्रदान करके कार्रवाई करने की बात की है। इंजीनियर राधेश्याम पाटीदार, जिला अध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन खरगोन। आवेदन दिया है मुझे, जिसमें अवगत कराया है कि समय मान और कुछ इस तरह के 10 साल 20 साल में जो मिलता है इनको, वो शायद नहीं मिला है कुछ लोगों को, उसके कारण उनको सही से मतलब पेंशन नहीं मिल रहा। इसका हम जांच करा के पूरा वन मंडल स्तर पर समिति गठित होती है, उसका निराकरण करेंगे तो उसके बाद हम इनको आदेशित करेंगे। सर, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, उसे मतलब कितनी बार मतलब समिति बैठ चुकी होगी, बाकी उसके बाद भी इनका निराकरण नहीं होना मतलब किस तरीके से दर्शाता है? देखिए, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, कभी कुछ समस्याएं रहती हैं आवेदन में, किसी कारण लंबित रहता है, वो तो अब हम पूरा चेक करवाएंगे, पर जो जेन्युइन केस होंगे जिनको मिलना चाहिए नियम अनुसार उनको तत्काल करवाएंगे जल्द से जल्द। नहीं, इतना लंबे समय होने के बाद डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स भी होंगे तो उसमें किसी प्रकार की वो नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद भी मतलब बहुत लंबा समय कह गया तो आप क्या इससे जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी क्या? वही हम बता रहे हैं, लंबा समय कभी कभी इसलिए बीतता है क्योंकि प्रकरण में कोई समस्या होगा, कोई कमी होगी या कुछ हो सकता है, इस कारण कभी देर होता है, तो वही हम चेक करेंगे एक बार और जो सही प्रकरण होंगे उनको तत्काल में उठाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।